लाइव में मैं किरण आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। गांधी शहर के रास्ता कार्यकर्ताओं पर हमला, 7 लोगों पर मामला दर्ज। रायगढ़ में खुद को गोली मार कर मौत के घाट उतारा सहायक कुल सचिव का गैर जिम्मेदार रवैया। अब खबर विस्तार से। कामठी के नया पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले बीबी कॉलोनी परिसर में रविवार को उस समय खलबली मच गई, जब दो गुंडों में खूनी संघर्ष हुआ। पुराने विवाद को लेकर यह झड़प होने की बात बताई जा रही है। इस मामले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने 7 लोगों पर मामला दर्ज किया। फिरियादी बीबी कॉलोनी रजा खान अब्दुल हमीद है। इनकी दोस्त के साथ हाथापाई हुई थी। रायगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले पेन गांव यहां पारिजात सोसाइटी में एक मध्य धुंध युवा ने गोलियों की बौछार की, साथ ही साथ युवा ने खुद को गोली मार कर मौत के घाट उतारा। मिली जानकारी से पता चला है कि यह घटना सोमवार को 8:30 बजे हुई है। नागपुर यूनिवर्सिटी के सहायक कुल सचिव का गैर जिम्मेदार ना रवैया। नागपुर यूनिवर्सिटी के परीक्षा भवन में की गई शिकायत पर जांच करने का पत्र सहायक कुल सचिव ने उसी को सौंपा है जिसके खिलाफ यह शिकायत की गई है। जानकारी के अनुसार सूचना अधिकार कार्यकर्ता महासंघ के जिला सचिव आरिफ पटेल नागपुर यूनिवर्सिटी के परीक्षा भवन में RTI आवेदन कर पार शिवनी के अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल को प्रिंसिपल ने समाजशास्त्र विषय में रेगुलर MA की डिग्री की जानकारी प्राप्त की। MNS न्यूज में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे MNS न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।